वेलकम टू गेट एकेडमी। देखते हैं गेट 2019 का आफ्टरनून सेशन का देखेंगे, सीपीएम पार्ट के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था आफ्टरनून सेशन में, गेट 2019 में बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस गए थे, अटक गए थे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे थे, नेटवर्क नहीं बना पा रहे थे, हाउ टू प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो आज क्या करूँगा, असल प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, नेटवर्क किस तरीके से इसका बनना चाहिए और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे देखते हैं। प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ था, द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड देयर ड्यूरेशन एंड प्रेडिसेंस रिलेशनशिप आर गिवन इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल इन प्रेसिडेंस रिलेशनशिप एक्स लेस देन वाई एंड जेड रिटन हियर वाई एंड जेड यहाँ पे लिखा होता, मीन्स दैट एक्स इज ए प्रेडिसेसर ऑफ एक्टिविटी वाई एंड जेड। इसका क्या मतलब बोल रहा है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसका सीधा सा मतलब ऐसा बोल रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा नेटवर्क बनाने के लिए। बहुत सारे लोग इसी को नहीं समझ पा रहे थे, एक्स लेस देन वाई एंड जेड का मतलब है कि एक्स इज अ प्रेडिसेसर ऑफ वाई एंड जेड। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जाके एक्स कंप्लीट होगा, राइट, किसी भी नोड पे जहाँ पे जाके एक्स वाला कंप्लीट होगा वहाँ से आपका वाई वाला स्टार्ट हो सकता है और वहाँ से आपका जेड वाला स्टार्ट हो सकता है। इसका ये मतलब है, दैट इज एक्स इज लेस देन वाई एंड जेड, यानी एक्स जो होगा आपका वाई और जेड दोनों का प्रेडिसेसर होगा। दैट मीन जब तक एक्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक वाई और जेड वहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो इसको अगर मैं उल्टा पढ़ूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि वाई का प्रेडिसेसर भी एक्स है और जेड का प्रेडिसेसर भी एक्स है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो इसको बोलने का ऐसा तरीका हो सकता है कि आप ऐसा बोल लो कि वाई का प्रेडिसेसर कौन है, तो वाई का प्रेडिसेसर कौन है बताना, वाई का प्रेडिसेसर भी एक्स है और जेड का प्रेडिसेसर भी एक्स है। तो इस टाइप से आप बना सकते थे, टेबल बना सकते थे, नया टेबल। वैसे मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे बोला हुआ है कि सभी का प्रेडिसेंस रिलेशनशिप दिया है, प्रेडिसेसर का रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा जैसे हम जनरली पढ़ के जाते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द कोचिंग स्टूडेंट में या मोस्ट ऑफ द बुक्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिस टाइप से पढ़ के जाते हैं उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन इन वीक्स जो है, ये ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, मैं प्रेडिसेसर बना रहा हूँ, इमीडिएट प्रेडिसेसर बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। तो ये आपको जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, ड्यूरेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्यूरेशन इन वीक्स, राइट, ड्यूरेशन इन वीक्स, वीक्स में ड्यूरेशन दिया हुआ है। एक और कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, ये इमीडिएट प्रेडिसेसर। तो अगर मैं इमीडिएट प्रेडिसेसर की अगर बात करूँ, इमीडिएट प्रेडिसेसर की बात करूँ, तो जस्ट प्रेडिसेसर कौन है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे बोल रहा है, आप ध्यान से पढ़िए, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी का प्रेडिसेसर ए है, सी का भी प्रेडिसेसर ए है और डी का भी प्रेडिसेसर ए है। तो मैं क्या बोलूंगा बताना, यानी ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, बी वाले का भी ए है, सी वाले का भी ए है और डी वाले का भी, राइट, डी वाले का भी ए है, यानी बी सी डी तीनों का प्रेडिसेसर ए है। उसके बाद ई वाले का प्रेडिसेसर बी है, एफ वाले का प्रेडिसेसर भी बी है और जी वाले का प्रेडिसेसर बी है। तो आप लगा लो ई एफ जी पे बी लगा लो, इन तीनों का प्रेडिसेसर बी, बी और यहाँ पे आप लगा लिए बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बताना, सी का आई का प्रेडिसेसर जो है वो आपका आई का प्रेडिसेसर सी है, तो आप लगा लेते हो कि आई का प्रेडिसेसर यहाँ पे लगा लिए सी। फिर क्या बोल रहा है बताना, जी का प्रेडिसेसर डी है, तो जी का प्रेडिसेसर जो है वो बी के साथ साथ डी भी यहाँ लिखा हुआ है। और साथ में बोल रहा है आपका एच का प्रेडिसेसर ई है, तो आप यहाँ लिख लोगे कि एच का जो प्रेडिसेसर है वो यहाँ पे लिखने आपने ई लिख लिया है यहाँ पे। और साथ से लिखना एफ का प्रेडिसेसर आई, राइट, तो आप देख सकते हो आई का प्रेडिसेसर जो है वो एफ है, तो आप यहाँ लिखोगे कि आई का प्रेडिसेसर जो है ये एफ हो जाएगा आपके पास। और आई का प्रेडिसेसर जी भी है, तो आई का प्रेडिसेसर में आप यहाँ पे जी भी लिख लोगे और आई का प्रेडिसेसर एच भी है, तो यहाँ पे आई का प्रेडिसेसर आप यहाँ पे एच भी लिख लोगे, राइट, क्योंकि आप देख सकते हो आई के ना टोटल चार प्रेडिसेसर है। देखिए यहाँ पे एक आई का प्रेडिसेसर दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ना यही था, आई वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आई में आके अटक रहे थे। देखिए ये आई का प्रेडिसेसर, यहाँ पे भी आई का प्रेडिसेसर, आई का प्रेडिसेसर, आई का प्रेडिसेसर, आप देखेंगे आई का प्रेडिसेसर सी है, आई का प्रेडिसेसर एफ, जी और एच है, यानी आई के टोटल चार प्रेडिसेसर थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई जो है उसके टोटल चार प्रेडिसेसर है, तो ये हो गया आपका सी एफ जी एच, चारों प्रोडिसेसर को यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा ना, ये वाला डेटा अब मेरे किसी काम का नहीं, नो नीड ऑफ दिस डेटा, इस डेटा को मैं क्या करूँगा अब नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बना लिया है प्रोडिसेसर, अपने बना लिया है जैसे जनरली हम लोग पढ़ के जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में। अब मैं इसको देखते हुए, एक्टिविटी और उसका प्रोडिसेसर देखते हुए क्या करूँगा, प्रोजेक्ट का नेटवर्क बनाऊंगा, देखते हैं कैसे नेटवर्क को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, ए का कोई भी प्रोडिसेसर नहीं है तो ए स्टार्ट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, ए को स्टार्ट कर लोगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देते हो, फर्स्ट वाले नोड से आपने स्टार्ट कर दिया, सपोज करो आपने स्टार्ट कर दिया है, ए को आपने स्टार्ट कर दिया है, जहां पे ए कंप्लीट हो जाएगा वहां पे बी सी और डी। तो यहां से बी देख सकते हैं, यहां पे मान लो बी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका सपोज करो सी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सपोज करो आपके पास यहाँ पे डी स्टार्ट हो रहा है। यानी आप ये सीधी सी बात देख सकते हो, यानी ए जो है तीनों का प्रेडिसेसर है, बी सी डी, यानी जहाँ पे ए कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे ए कंप्लीट हुआ वहाँ पे बी सी डी तीनों स्टार्ट हो सकता है। मैंने जहाँ पे ए कंप्लीट हुआ था जिस नोड पे, सेकेंड वाले नोड पे, उसमें मैंने बी सी डी तीनों को मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आगे क्या बोला हुआ है ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे आगे बोल रहा है बी जो है,
राइट right. बी किसका प्रेडिसेसर बताना, ई का, यानी जहां पे बी कंप्लीट हुआ वहां से आपका ई स्टार्ट हो सकता है और वहां से आपका एफ भी स्टार्ट हो सकता है। तो वहां से आप ई और वहां से आप एफ को स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो, तो यहां पे आप ऐसा देखोगे तो मान लीजिए आपने यहां पे स्टार्ट कर दिया ऐसे, ई को आपने स्टार्ट कर दिया जहां पे बी कंप्लीट हुआ और यहां पे आपने एफ को भी स्टार्ट कर दिया। यहां पे आपने सपोज करो, आपने यहां पे सपोज करो एफ को भी स्टार्ट कर दिया, तो यहां पे आपका आ गया एफ आ गया। इस टाइप से आपने ई और साथ में आपने एफ को यहां पे बना लिया है। आगे क्या बोल रहा है ध्यान देंगे, आगे क्या बोल रहा है, आप ई और एफ दोनों को ड्रॉ कर दिए, बी पे डिपेंड कर रहा था। आगे बोलता है जी जो है वो बी और डी दोनों पे डिपेंड करेगा, यानी जहां बी वाला और डी वाला दोनों आके कंप्लीट होगा वहां से जी वाला स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो जहां पे बी और डी दोनों स्टार्ट होगा वहां से दोनों आके कंप्लीट होगा। तो देखिए डी वाला आपका इस तरीके से था, यहां पे आपका डी वाला था और यहां से बी, तो इसको आप इस लाइन से डॉटेड लाइन से ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो इस वाले पे आप देख सकते हो कि बी और डी, ये डी वाला था, बी बी वाला यहाँ की कंप्लीट हुआ, डी वाला यहाँ कंप्लीट हुआ। इस वाले से आप बोल सकते हो कि यहाँ से आपका जो है वो जी वाला स्टार्ट हो चुका है, जी वाला यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एच जो है वो ई पे डिपेंड करेगा, एच वाला ई पे डिपेंड करेगा, तो आप ले सकते हो एच वाला जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ कहीं से आप ले सकते हो एच होगा, तो आप ले लोगे एच वाला जो है ई पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा ले लीजिए कि यहाँ से ले लेते हैं एच ले लेते हैं, तो ये H वाला जो है वो E पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, I वाला जो है ना चारों पे डिपेंड कर रहा है, C F G H, C F G H, देखिए C यहाँ पे, C ये वाला F, G और H चारों पे डिपेंड करेगा। तो इस वाले G वाले को मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा, तो G वाले को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये मेरा आ गया G आ गया यहाँ पे, और C वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, C वाले को मुझे इस टाइप से लेना पड़ेगा और ला के उसको यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा। सो दिस वन इज द C, तो ये वाला आपका क्या हो गया, C वाला हो गया है। देखिए बहुत ही सिंपल हो गया, नोड नंबर डाल सकते हैं, नोड नंबर ये हो गया आपके पास 3, नोड नंबर हो गया आपके पास सपोज 4, नोड नंबर हो गया 5, और ये आपके पास हो गया नोड नंबर 6 हो गया। सभी का ड्यूरेशन लिख देता हूँ मैं, कितना ड्यूरेशन है, देखिए ए वाले का 5 डेज है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वाले का 5 डेज है, बी वाले का 7 डेज है तो मैं लिख देता हूँ बी वाले का 7 डेज है, सी वाले का 10 डेज है यहाँ पे आपके पास, तो सी वाले का लिख दिया यहाँ पे 10 डेज, डी वाले का 6 डेज है, डी ई वाले का आप देखेंगे 3 डेज है, ई वाले का आप देख सकते हो 3 डेज है, एफ वाले का आप देखोगे 9 डेज है, एफ वाले का 9 डेज है आपके पास, और जी वाले का 7 डेज है, जी वाले का 7 डेज है, और एच वाले का 4 डेज है, एच वाले का 4 डेज है, और आई वाले का 2 डेज है। इन जहाँ पे इतना होगा यहाँ से आई आपका स्टार्ट होगा, आई वाले का 2 डेज है, यहाँ पे फाइनली आपका नोड नंबर 7 प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया। सो दिस इज द फुल प्रोजेक्ट नेटवर्क, ये प्रोजेक्ट नेटवर्क बन गया है यहाँ पे। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है नेटवर्क बनाने के बाद, क्या फाइंड आउट करना है, द टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी, राइट, क्या बोल रहा है, द टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटीज अलोंग द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग कंप्लीट करने का कितना टाइम होगा, दैट इज द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपसे पूछा हुआ, क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन आपसे पूछा हुआ। देखते हैं क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने का तरीका है, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पे पहले वाले नोड पे अगर आपने लिखा है ई का वैल्यू, तो यहाँ पे ई का वैल्यू सपोज करो 0 हो गया है, सेकंड वाले नोड पे ई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0+5, दैट इज 5 आ जाएगा। इस वाले पे अगर आप ई का लिखेंगे तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा इस वाले नोड पे 5+7, यहाँ पे आ गया 12 आपके पास, और डमी जो है डॉटेड लाइन जो है डमी एक्टिविटी है, उसका 0 ड्यूरेशन होता है, तो यहाँ पे आपके पास ई का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12+0=12 हो जाएगा, और 5+6=11, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 12 हो गया है। अब इस वाले पे अगर आप ई के वैल्यू लिखेंगे तो इस वाले पे ई के वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12+3, यहाँ पे हो गया 15 हो गया आपके पास। देखते हैं इस वाले पे नोड नंबर 6 पे ई का वैल्यू क्या आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ से 12+7 जो है यहाँ से 19 आ सकता है आपका, यहाँ से आ सकता है आपका 12+9 जो है वो 21 आ सकता है आपके पास, राइट। इस वाले से आप देखेंगे तो 15+4 ये भी 19 आ सकता है, राइट। और इस वाले से अगर आप तो 21, देखिए इस वाले से आपका 19 आया, छोटा सा लिख रहा हूँ, इस वाले से 21 आया, इस वाले से भी आपका 19 आया है, और इस वाले रूट से चारों रूट, बिकॉज चारों नोड जो है ना वो कहाँ पे, सी पे जाके चारों एरोज हैं नोड नंबर 6 पे जाके क्या कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, चारों का जो हाईएस्ट होगा ना उसको मुझे ई कंसिडर करना पड़ेगा। तो सी वाले को देखेंगे तो इस वाले पे 5+10 यहाँ से 15 आ रहा है, तो 15, 19, 21 और 19 में हाईएस्ट आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 21+2 जो आ जाएगा वो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये E का वैल्यू जो है, ये E का वैल्यू आ जाएगा 21+2, दैट इज इक्वल टू 23 वीक्स, एंड दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसी को बोला जाता है आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोला जाता है, दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या फिर इसी को बोला जाता है ऑट इज नोन एज लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ, इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो ये होता है क्रिटिकल पाथ का लेंथ इन टर्म्स ऑफ वीक्स, 23 वीक्स यहाँ पे आ गया है। तो आपको यही बताना था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ,
तो लास्ट वाले नोड के ऊपर, किसी भी प्रोजेक्ट के लास्ट वाले नोड के ऊपर जो ई का वैल्यू आता है ना, वही होता है लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ का लेंथ का सम होता है 23 वीक्स आ गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 23 वीक्स आना चाहिए। 23 वीक्स इज द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का जो लेंथ होगा, जो लॉन्गेस्ट पाथ का जो लेंथ होगा, दैट इज इक्वल टू 23 वीक्स। दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। बस करना आपको सिर्फ यही था, ये जो प्रेडिसेसर का रिलेशनशिप जिस हिसाब से दिया था उस हिसाब से हमने प्रॉब्लम को नहीं बना पा रहे थे। पहले मैंने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया है अकॉर्डिंगली, जैसे हम लोग जनरली पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए वैसे मैंने पहले यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया है। और बनाने के बाद एज इट इज मैंने नेटवर्क बनाया है, प्रोजेक्ट नेटवर्क। और उसके बाद लास्ट वाले नोड के ऊपर ई का वैल्यू मैंने क्या कर लिया, ऐसे फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीका था, बहुत ही आसान तरीका था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या किया, ऐसे कोई कन्वर्जन नहीं किए, वो लोग सिर्फ यहीं से बनाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार फंस जा रहे थे। क्योंकि आपको ना आई जो यहाँ पे 4 बार दिख जा रहा था, तो वहाँ पे जाके कई बार स्टूडेंट क्या हो जा रहा था, वहाँ पे मतलब सोच नहीं पा रहे स्टूडेंट लोग कि बेसिकली वहाँ पे आई 4 बार दिया, करना क्या है वाकई वहाँ पे। तो सिंपल सा कन्वर्जन किया इस टाइप से और प्रॉब्लम इजी वे में बना लिए। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। तो राइट आंसर 23 वीक्स।